क्रिकेट के मैदान का सबसे बड़ा त्योहार कहें या क्रिकेट के मैदान का सबसे बड़ा बाजार, ये दोनों ही बातें अगर एक सी आपको नजर आ रही हैं तो फिर ये दोनों बातें आपको होती नजर आएंगी। दुबई में इस बात पर अंतिम मोहर लगाने का काम किया आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में, जहां पर तमाम बीसीसीआई के अधिकारी थे, फ्रेंचाइजी थे, और साथ ही वहां पर कुछ ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनकी रजामंदी के साथ ये तय हो चुका है कि दुबई आईपीएल में होगा। गाइडलाइंस तैयार हो चुकी हैं, एसओपी तैयार हो चुकी है, और कुल मिलाकर अब बस इंतजार है 19 सितंबर का, जब पहला मैच खेला जाएगा। फिक्स्चर को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है स्थिति, क्योंकि फिक्स्चर जो मंडे को एक दिन के बाद आज से बैठक होगी उस पर यह तय होगा। आज आईपीएल क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी है, वर्ल्ड कप को शिफ्ट किया गया आईपीएल की वजह से, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से बेहद खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज बासित भाई हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, और राजकुमार जी हमारी मेहमान नवाजी वैसे भी बड़ी फेमस है, तो बासित भाई से ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बासित भाई, अब तो तमाम उठा पटक के बीच में आईपीएल पर अंतिम मोहर लगी और आपने जो भविष्यवाणी की थी एक बार फिर वो भविष्यवाणी सही साबित हुई। पहले तो राजीव आपको, राजकुमार साहब को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और प्लस आज बहुत बड़ा दिन है आप लोग के लिए, राखी का दिन है, और मेरी तरफ से तमाम बहनों को राखी मुबारक हो और उनके नसीब अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और उनसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि जो COVID-19 आया हुआ है उसके लिए जरूर करें, दुआ जरूर करें कि ये जल्दी खत्म हो जाए। जहां तक आपने आईपीएल की बात करी तो ये तो मेरा ख्याल है 2 महीने पहले माहौल लग चुकी थी कि आईपीएल होगा, और ये आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, राजकुमार सर भी हमारे साथ थे जब, तो आईपीएल होना इसलिए जरूरी था राजीव कि इससे दुनिया में जितने क्रिकेटर्स है ना एक्सेप्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनका उनकी भी ख्वाहिश यही थी कि पहले वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल हो, क्योंकि वो रवा हो जाएंगे खेलने में, मतलब प्रैक्टिस उन्हें हो जाएगी। तो मेरे ख्याल है वर्ल्ड कप तो हुआ नहीं, लेकिन यह है कि दुनिया को आईपीएल देखने को मिलेगा, और इस दफा डिफरेंट मिलेगा क्योंकि एमिरेट्स में हो रहा है, तो वो उस पर फिर बातचीत बाद में करते हैं अभी। जी बिल्कुल, राजकुमार सर आप किस तरह से देखते हैं, कहते हैं ना कि इंतहा हो गई इंतजार की, कम से कम इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप कैंसिल नहीं हो रहा था, लास्ट मोमेंट पे वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ और इसके बाद ये इंतजार जो है उसका फल बहुत मीठा नजर आ रहा है, आईपीएल बिल्कुल होने की स्थिति में है। काफी कुछ गाइडलाइंस आपने भी पढ़ी होंगी, सुना भी होगा, एसओपी एक तैयार किया गया, 200 पन्ने की गाइडलाइंस है जो फ्रेंचाइजीज को दी जाएंगी, कैसे आप देख रहे हैं, एक बड़े चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं, ना सिर्फ गवर्निंग काउंसिल के लिए बल्कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक बड़ा चैलेंज? राजीव सबसे पहले तो मैं कहूंगा एक बड़ी खुशी की बात है कि एटलीस्ट क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हो रहा है। एक अगर हम इंग्लैंड की सीरीज छोड़ दें, इंग्लैंड वेस्टइंडीज या अभी जो वहां पर वनडेज हो रहे हैं उसके बाद, उसके अलावा कहीं भी क्रिकेट नहीं हो रहा था, और COVID-19 की वजह से सभी खिलाड़ी लॉकडाउन में बैठे हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि खिलाड़ी बहुत समय तक में नहीं बैठ सकता और पूरा उनके फैंस भी सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई क्रिकेट दोबारा शुरू हो। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि क्रिकेट दोबारा शुरू हो रहा है, और चैलेंजेस काफी होंगे लेकिन काफी कुछ सीखने को मिला है इंग्लैंड और वेस्टइंडीज सीरीज से कि किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। तो उसके तहत अब यूएई बोर्ड भी काफी काम करेगा और जो गवर्निंग काउंसिल है आईपीएल की उनको भी बहुत सारे मैं कहूंगा कि ख्याल रखने पड़ेंगे कि प्लेयर्स बहुत मतलब कोई भी संक्रमित ना हो जाए। तो एक बड़ा चैलेंज तो है लेकिन राजीव एक खुशी की बात है कि क्रिकेट दोबारा शुरू हो रहा है। वासी भाई, जब से आईपीएल की बात हो रही थी कि आईपीएल दुबई में होगा, पाकिस्तान में बड़ी सुगबुगाहट थी, क्या अभी पाकिस्तान में क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि आपकी जो क्रिकेट से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत होती होगी, वहां की मीडिया में क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ये चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान में काफी सुगबुगाहट हो रही है कि आईपीएल को कराने के लिए बीसीसीआई ने दबाव डाल के वर्ल्ड कप कैंसिल करा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक दो जर्नलिस्ट जो नए नए आते हैं जर्नलिस्ट वो अपने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये बात करते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान में ये चर्चा नहीं हो रही है। देखे अच्छा। हमेशा हकीकत देखनी चाहिए। इस वक्त विक्टोरिया मेलबर्न में जो हालात है, मेरा ख्याल है आपको भी पता होगा, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया है जी। और होबार्ट में भी सुनने में आए केसेस बढ़ रहे हैं,
तो ये चीज के आईपीएल की वजह से वर्ल्ड कप पोस्टपोन हुआ, गलत चीज है। ये हमारे मुल्क में भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखे, अगर अपना वर्ल्ड कप पोस्टपोन हुआ है और आईपीएल हो रहा है, तो उसके साथ श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी तो शुरू हो रही है ना। जिस जिसको विंडो मिलेगी वो जरूर अचीव करेगा, और अचीव करना चाहिए, क्योंकि ये विंडो ऐसी है जो खाली है। मेरे ख्याल से 2 महीने की विंडो है, उसके बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं वो इस तरह बायलैटरल सीरीज होती रहेंगी। लेकिन हमारे मुल्क में ये चर्चा नहीं है कि इंडिया ने करा। ये आपको जो न्यूज मिली है वो एक दो चैनल, जो छोटे चैनल है उनकी वजह से मिली होगी। कल वसीम अकरम से भी बात हो रही थी हमारी, तो वो भी यही बात कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, क्रिकेट होनी चाहिए राजीव। अब राजकुमार सर अपने घर में है, मैं अपने घर में हूँ, राजीव आप अपने घर में, हम क्या फुटबॉल देखेंगे या हॉकी देखेंगे? नहीं देखेंगे ना, हम तो क्रिकेट देखेंगे, क्योंकि हमारा मेल जोल ही क्रिकेट से है। तो क्रिकेट होगी तो सब। और एक चीज और भी बोल दूं, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि क्रिकेट शुरू हो गई है। अभी 5 तारीख से पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट भी और आपकी गवर्नमेंट भी यही बोलती है ना कि अपने घरों में रहें, बाहर फजूल में मत जाएं। तो हमारे लिए तो बेस्ट टाइम है, हम क्रिकेट देखते रहें। 7-8 घंटे हमारे ये निकल सकते हैं ना। तो ये इससे हमारी आवाम को भी फायदा होगा। जिसने मजदूरी करनी है वो तो जरूर जाएगा, चाहे आप कर्फ्यू लगा दें, चाहे कुछ कर दें, उससे अपने बच्चों को पालना है, बच्चों के लिए दूध लाना है, वो तो हर बाप जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन एहतियात के साथ जाए। लेकिन क्रिकेट होगी तो मेरे ख्याल सब लोग अपने घरों में बैठ के बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। वासिफ भाई, आपने गाइडलाइंस देखी होंगी, बड़ी टफ गाइडलाइंस बनाई गई हैं आईपीएल के लिए। यूएई क्रिकेट बोर्ड को ये एसओपी भेजी भी जा रही है। कितने मुश्किल हालात आपको लग रहे हैं जब आपको ये कह दिया जाए सिर्फ कमरा, आपको होटल के कमरे में रहना है, ग्राउंड जाना है, देन अगेन आना है, परिवार साथ में नहीं होगा अगले 2 महीने के लिए। एक ऐसी टेस्टिंग टाइम में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। और खासतौर से विराट कोहली की बात कर ले, रोहित शर्मा की, या महेंद्र सिंह धोनी की, या डेविड वार्नर ने जिस तरह से थोड़ा ऑब्जेक्शन किया था कि 2 महीने परिवार से दूर रहना थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि इनकी 2 छोटी बच्चियां हैं। कैसे आप देखते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है क्रिकेटर्स के लिए होगा 2 महीने दूर रहना? राजीव, मेरे लिए नहीं है। मैं अपना तजुर्बा आज आपके इसमें शो में शेयर करता हूँ। जब हम पाकिस्तान टीम में थे ना, तो हम 9 से 10 महीने बाहर रहते थे, अपनी फैमिली से दूर रहते थे। और बास टाइम तो ऐसा भी आया है कि ईद और बकरीद हमने बाहर मनाई है। तो उस टाइम पे भी हमारे जो जो फैमिली थी ना, वो ये 15 का जो स्क्वाड होता था और साथ में जो मैनेजमेंट होती थी, यही हमारी फैमिली बन जाती थी। क्योंकि 10 महीने हम इनके साथ रहते थे और 2 महीने अपनी ओरिजिनल फैमिली के साथ रहते थे। तो ये जो कोविड आया है, इसमें अगर 2 महीने की बात है तो क्रिकेट भी तो नहीं हुई ना 4 महीने से। तो मुझे बताएं, जो आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, विराट का नाम लिया, रोहित का नाम लिया, एमएस का लिया, वार्नर था, बुमराह, अब इनके लिए क्रिकेट होना बहुत जरूरी है, इनके लिए भी और दूसरे मुल्कों के लिए भी। ये 2 महीने की जो आप बात करें ना एसओपीज वगैरह, चले आपके प्रोग्राम में बोल देता हूँ, एमिरेट्स में आवाम भी आएगी, आवाम भी बैठेगी पहले 1 हफ्ते बाद। और जो आप एसओपीज की बात कर रहे हैं ना, ये 2-4 दिन के लिए है। मतलब लोगों को, प्लेयरों को, अवाम को थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, उसके बाद प्लेयर भी यूज टू हो जाएंगे। जो हम बोलते ना कंडीशन से अमहंग होना चाहिए, न्यूजीलैंड जा रहे हैं वहां बॉल मूव करेगा, वेस्ट इंडीज जा रहे हैं वहां बाउंसी विट्टे होंगी, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विट्टे होंगे। इसी तरह आप अभी आईपीएल के लिए जब दुबई जा रहे हैं ना, तो ये एसओपीज आप एडॉप्ट कर लेंगे और 4-5 दिन बाद आप देखें सब रवा हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है ये। बिल्कुल। और राजकुमार सर, कुछ रूल्स भी चेंज किए गए हैं, जैसे कि आपको एक तो कहा गया 24 जो पूल है 24 प्लेयर्स का, वो आप लेके जा सकते हैं। हम एक समय सोच रहे थे कि शायद छोटा कर दिया जाए स्क्वाड जो फ्रेंचाइजीज के लिए। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा आपको अगर मैच के बीच में कुछ भी कोई खराब इंसिडेंट होता है। ये सारी चीजें फ्रेंचाइजी की तरफ से हुई है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं वासिफ भाई के पास भी जाऊंगा इस पे, कि जो मैच को पीछे किया गया थोड़ा, इंडियन टाइम 3:30 बजे दिन का मैच शुरू होगा और 7:30 बजे जो शाम वाला मैच है, यानी जिस दिन डबल हेडर होगा उस दिन ये आधा आधा घंटे पीछे है। और दुबई के टाइम से जाए अगर वासिफ भाई मैं ठीक हूँ तो 1.5 घंटे पीछे लगभग, यानी कि 2 बजे दोपहर में मैच खेलेंगे हम। कितना ये चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आपको पता है कितनी गर्मी होती है दुबई, शारजा और अबू धाबी, तीनों जगह। बिल्कुल राजीव, चैलेंजेस हैं काफी सारे। और देखिए, जो ये प्रिकॉशंस हैं उसी के मद्देनजर 24 का स्क्वाड किया गया है कि बाई चांस
कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो जाए कोई किसी प्लेयर के साथ, तो आपके पास रिप्लेसमेंट रहे, और ये बेटर भी है कि आपका एक पूल बड़ा होगा तो आप उसमें से बेटर चूज कर सकते हैं। मेरा तो मानना यह है कि ज्यादा प्लेयर्स को चांस मिल रहा है, ज्यादा ये अच्छी बात है कि ज्यादा प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा प्लेयर्स को बेनिफिट होगा फाइनेंशियली भी, तो सीखने को भी मिलेगा, यंगस्टर्स कुछ सारी टीमें लेके जाएंगी, तो ये भी एक फायदा है। और जहां तक बात गर्मी की है राजीव, सभी अभी जैसे बासित भी कह रहे हैं कि सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, और जब आप अगर दिल्ली में भी क्रिकेट होती है तो सारी समर्स में होती है, और उस टाइम टेम्परेचर 48-49 होता है दिल्ली में भी, तो जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको ये सब चीजें नहीं महसूस होती क्योंकि तब आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है। आप स्पेक्टेटर्स के लिए जो वहां पे ग्राउंड में आ रहे हैं उनके लिए जरूर परेशानी हो सकती है, लेकिन प्लेयर्स क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं और इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं गेम में कि उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी हो रही है या क्या है, वो एक बार आप लाइन क्रॉस करते हैं उसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपको सिर्फ ध्यान होता है कि मुझे रन बनाने या मुझे विकेट लेना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आसिफ भाई दो इम्पोर्टेंट चीजें और हैं, कुछ खिलाड़ी कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल के सीधे दुबई पहुंचेंगे, कुछ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक सीरीज चली होगी उसके बाद इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। अब क्वारंटीन को लेके थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, कैसे आप देख रहे हैं अलग अलग देशों से आके सीधे आके यहाँ पे खेलना, क्योंकि जो गवर्निंग काउंसिल की तरफ से बात आई है कि 25 अगस्त के बाद से आप कैंप्स लगा सकते हैं दुबई में, यानी आप बहुत पहले नहीं जा सकते हैं, ये भी एक एक तरह से कहा जाए बाउंडिंग वहां पे रख ली गई। राजीव देखो पहले जो आपने राजकुमार कुमार साहब से सवाल करे ना, सितंबर में इतनी गर्मी नहीं होती है वहां पे, अच्छा। जो डे वाले जो डे में मैच होगा ना 2 बजे वहां पे गर्मी होगी, लेकिन जो शाम में होगी ना तो वहां पे थोड़ा सा हवा और ठंड शुरू हो जाती है, ये मेरा अपना तजुर्बा है क्योंकि हमारा पीएसएल भी अमूमन हुआ है वहां पे। प्लस जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो प्लेयर्स ओवरसीज आएंगे, सीरीज चल रही है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, ये तो इंडिया में भी हुआ है पहले कि मॉर्गन अपनी सीरीज खेल के फिर आता था फिर ज्वाइन करता था, तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि ये लीग ही इतनी बड़ी है, दुनिया की नंबर वन लीग है, मैंने पहले भी कहा था, तो इसमें तो उन लोगों की खुश किस्मती है जो खेल रहे हैं, वो तो चाहेंगे कि हम आए और खेलें। अब जो आपने बात करी ना, एक चीज और भी है, अब तो प्लेयर अपने उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है माशाल्लाह, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखे आप वर्ल्ड कप को ले, वर्ल्ड कप में भी कभी चार्टर्ड फ्लाइट में जाती है टीम, कभी भी नहीं जाती, तो ये आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो आपको इससे ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि सबके जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उनके चार्टर्ड फ्लाइट हैं, और वहां पे जो कोविड का मसला है, देखें 2 टेस्ट पहले होंगे आप जहां रहते हैं, उसके बाद 1 टेस्ट जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहां पे होगा, अगर अल्लाह ना करे वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर मसला होगा, अगर नेगेटिव आता है तो आप अगले दिन दुबई में बाहर जा सकते हैं। जैसे जैसे ये दिन गुजरेंगे ना सितंबर में आपको और ईज आउट मिल जाएगा, अभी तो क्योंकि 1.5 महीना है, तो ये आप अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये मसले मसाइल है, जैसे जैसे दिन करीब होते जाएंगे कोविड-19 में जितनी सख्तियां हैं वो कम होती रहेंगी, ये मेरा मानना है, और इंशाल्लाह ताला जो अभी इंडिया की पोजीशन है ये भी सितंबर में बहुत बेहतर हो जाएगी। वासिफ भाई आपकी हमेशा भविष्यवाणियां एकदम सही साबित होती है, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या एक ऐसा रीजन, जो एक बड़ा रीजन या दो बड़े रीजन की बात करें कि बीसीसीआई ने ऑफ किया कि वो दुबई में कराए आईपीएल। देखो यार दुबई क्योंकि वहां पे फ्लाइट्स आ रही जा रही है ना, जैसे हमारे मुल्क में अभी फ्लाइट्स नहीं है, एक टर्किश एयरलाइन मतलब वो आ रही है, बाकी इंडिया में का मुझे नहीं पता कि एयरलाइंस आ रही, लेकिन यहाँ पे केसेस ज्यादा हैं, तो जो आपको याद होगा 2 ही जगह बचती थी, एक यूएई क्योंकि वहां पे 3 या 4 ग्राउंड मौजूद है, और प्लस श्रीलंका कोलंबो में 4 ग्राउंड मौजूद है, वहां पे टेस्ट सेंटर है, तो 2 ही ऑप्शन थे जहां पे बीसीसीआई सोच सकता था, क्योंकि आपको ये मैच मतलब 20 दिन में तो खत्म नहीं करने थे ना, जो आईपीएल की खूबसूरती है कि दिन में एक मैच होता है और शाम वाले मैच में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो ये इस वजह से एमिरेट्स में हो रहा है, और क्योंकि आपको याद होगा पहले भी कुछ मैच मेरे ख्याल है आईपीएल के आई एम नॉट मिस्टेक 2009 या 2014 में हुए हैं एमिरेट्स में, हाँ तो ये तजर्बा तो पहले हो चुका है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, और आपकी जो इंडियन आवाम है उनके भी कमेंट्स हम पढ़ रहे थे कि जी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है इंडिया में होना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम देखना चाहिए टाइम कैसा चल रहा है, उस टाइम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, जब प्लेयर अपने आप को एडजस्टमेंट कर सकता है 48 डिग्री में जैसे राजकुमार सर ने कहा,
तो आवाम को भी एडजस्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि यहाँ पे अभी वो हालात नहीं है कि मतलब आपके मुल्क में आईपीएल हो सके। तो ये वो सारी चीजें जिसपे मेरा ख्याल है कि अच्छा ऑप्शन है एमिरेट्स में।